आपका मेरे YouTube चैनल वेब ऑनलाइन स्टडी में और मैं सीपी सिंह स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर पॉलीनोमियल्स में। फर्स्ट एक्सरसाइज आज रिलीज हो रही है, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 आपको कल मिलेगी। तो बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज में पॉलीनोमियल्स के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल के कौन से पॉलीनोमियल्स हैं और कौन से नहीं है, स्टेट द रीजंस, रीजंस लिखने हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक वेरिएबल वाला पॉलीनोमियल ढूंढने के लिए क्या करना है, पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे जेड हो, कुछ भी हो, लेकिन एक वेरिएबल होना चाहिए। अगर एक वेरिएबल एक्सप्रेशन में है तो वो एक वेरिएबल वाला कहलाएगा, अदरवाइज फिर उसमें दो या तीन वेरिएबल यूज हुए हैं तो उसमें वैसी बात की जाएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल है वन वेरिएबल का। तो देखिए फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 4x² - 3x + 7, ये पॉलीनोमियल है क्योंकि इसके दो या दो से ज्यादा टर्म है। ट्राइनोमियल बोलते हैं ऐसे को जिसमें तीन टर्म होते हैं, 1, 2, 3 ट्राइनोमियल कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सिंगल वेरिएबल का है या डबल है या ट्रिपल है, तो सिंगल वेरिएबल का ये है, तो ये वाला बिल्कुल सही है क्योंकि ये क्या है, सिंगल वेरिएबल का ये क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स की बात की जा रही है, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं, y² + √2। देखिए रूट टू तो इरेशनल है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल की तरफ जाना है। अगर वेरिएबल का पावर माइनस में आता है तो इसका मतलब वो पॉलीनोमियल होगा ही नहीं, ठीक है ना। और अगर वेरिएबल का जो पावर है वो प्लस में है तो पॉलीनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि जो उसका कोफिशियंट है या जो वो वेरिएबल है वो होल नंबर में होना चाहिए, तभी तो उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, y² + √2, यहाँ पे y की वैल्यू तो स्क्वायर में है ना, तो ये भी क्या है, पॉलीनोमियल है और वो सिंगल वेरिएबल का पॉलीनोमियल है, जो कि सिंगल वेरिएबल यूज किया उसके आगे y यूज हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड है, कह रहा है 3√t और प्लस यहाँ पे है t√2। देखिए मैंने क्या बोला था अभी कि अगर हमारा रूट टू जो है वो इरेशनल है तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा वेरिएबल पार्ट इरेशनल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो t है, t का स्क्वायर रूट लगा हुआ है t के ऊपर, तो t के स्क्वायर रूट को हम लोग क्या कहते हैं, अभी पिछले चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ t अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे p की पावर 1/2। तो ये क्या है, ये t की पावर 1/2, ये होल नंबर तो नहीं है ना, तो क्योंकि वन जो होल नंबर शुरू होता है 0 से और ये 1/2 होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इनवर्स, और माइनस में पावर आ जाने की वजह से ये क्या है, ये पॉलीनोमियल ही नहीं है। तो यहाँ पे सिंगल और डबल वेरिएबल की बात ही नहीं की जाएगी, ठीक है ना, ये पॉलीनोमियल नहीं काउंट होगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, y + 2/y। अब देखिए 2/y आया है, तो यहाँ पर भी अगर y नीचे है ऊपर जाएगा तो y इनवर्स हो जाएगा, और अगर y इनवर्स हुआ तो ये भी क्या है, पॉलीनोमियल नहीं है, पॉलीनोमियल इसमें नहीं काउंट होगा, ठीक है, नॉट अ पॉलीनोमियल। लास्ट पार्ट देखिए, x⁻⁰, y³⁰, t⁵⁰, ये एक पॉलीनोमियल है, बिल्कुल एक पॉलीनोमियल है, लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि क्या ये सिंगल वेरिएबल का पॉलीनोमियल है क्या। पॉलीनोमियल तो है, ठीक है ना, क्योंकि तीन टर्म है, ट्राइनोमियल बोलेंगे इसको, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल ओनली। तो ये क्या, ये वन वेरिएबल का पॉलीनोमियल है, नहीं है वन वेरिएबल का पॉलीनोमियल, मतलब ये क्या है, ये है हमारा एक्स वाई जेड, मतलब तीन वेरिएबल, यहाँ पे जेड नहीं है, दूसरा है वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल यूज हुए हैं तीन, हमें चाहिए था सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन, तो ये सिंगल वेरिएबल का नहीं है। आइए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे पार्ट की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसका क्लेरिफिकेशन हो चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई भी पार्ट तो आप वीडियो को घुमा कर जरूर देखिएगा, आप समझ पाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x²। सबसे पहले कोएफिशिएंट जानना जरूरी है कि कोएफिशिएंट क्या होता है। किसी भी टर्म में जिस नंबर का कोफिशियंट पूछेगा, मतलब उसके आगे की जितनी भी वैल्यू है वो सारी उसकी कोफिशियंट कहलाएगी, ठीक है। अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस क्वेश्चन को लेके, मत चलिएगा, मान लीजिए कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ x, y, z। अब इसमें अगर मैं कहूँ कि x का कोफिशियंट क्या है,
तो x को ढक दो, बाकी जो बच गया कोफिशियंट। तो x को ढकने के बाद कोफिशियंट क्या हो गए, yz। अगर मैं पूछूं आपसे कि y का कोफिशियंट क्या है, y को ढक दो, आंसर क्या मिलेगा, xz। अगर मैं आपसे पूछूं z का कोफिशियंट क्या है, z को ढक दो, आंसर क्या मिलेगा, xy। अगर मैं आपसे पूछूं xyz का कोफिशियंट क्या है, पूरा ढक दो, बचेगा 1। बात समझ पा रहे हैं? तो कोफिशियंट क्या है कि जो भी नंबर उसके मल्टीपल में दिया होता है, हिंदी में गुणांक बोलते हैं उसको, तो जो भी नंबर मल्टीपल में दिया होता है उसके, वो सारा कोफिशियंट कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। पहला टर्म देखिए, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सबसे पहले हम लोग जाएंगे एक्स स्क्वायर के पास। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना। तो मैंने एक्स स्क्वायर पूरा ढक दिया, बचा क्या, कुछ नहीं बचा। मतलब आंसर क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट का, 1 है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर भी देखिए एक्स स्क्वायर के पास जाते हैं, एक्स स्क्वायर के पास चले गए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म मैंने हटाया, क्या बचा, 1। लेकिन इसके आगे माइनस का साइन लगा है, यहाँ नहीं लगा था तो काउंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ लगा है तो काउंट होगा। तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। बात समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म क्या था, एक्स स्क्वायर ही था। जब मैंने वो हटा दिया तो बचा क्या, 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर एक्स स्क्वायर हटा दिया तो बचा क्या, -1। बात समझ पा रहे हैं आप? थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर का टर्म मैंने अलग निकाल लिया, तो है क्या, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट चाहिए, एक्स स्क्वायर को ढक दिया, बचा क्या आपके पास, पाई बाई 2। तो आपका आंसर क्या होगा, पाई बाई 2, ठीक है ना, पाई बाई 2। अच्छा लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट में क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है, क्या कह रहा है, रूट 2 एक्स माइनस 1। एक्स स्क्वायर का जब कोई टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशियंट क्या होगा, 0। क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है इसलिए वो किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इवन 1 से भी नहीं हो सकता, माइनस 1 से भी नहीं हो सकता, लेकिन 0 से हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर के वो पूरा का पूरा टर्म ही गायब हो गया होगा, ऐसी मान्यता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या कहता है, सबसे पहले देखते हैं इसको। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए इसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, इनफाइनाइट एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है, सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें बाइनोमियल की डिग्री 35 दिखानी है, और एक ऐसा एग्जाम्पल और दीजिए जिसमें मोनोमियल की डिग्री 100 दिखानी है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मोनोमियल में होते हैं 1 टर्म, ठीक है ना। मोनोमियल में होते हैं कितने टर्म, 1 टर्म होते हैं। 1 टर्म के जितने भी एक्सप्रेशन है उसको मोनोमियल कहा जाता है, और बाइनोमियल किसको कहा जाता है, बाइनोमियल कहा जाता है जिसमें 2 टर्म होते हैं, ठीक है। अच्छा इतनी बात तो पता है आपको, 8th में भी पढ़ चुके हैं, कुछ नया चीज नहीं है इसमें लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि इनफाइनाइट एग्जांपल है, कोई भी एक एग्जांपल दे दो। तो मैं 3-4 एग्जांपल रख देता हूं, आपको जो अच्छा लगे वो समझ लीजिएगा। जैसे क्या है, डिग्री 35, तो देखो अगर मैं लिख दूं y की पावर 35 प्लस z। अब देखो यहां पे y की पावर 35 हो गया आपका डिग्री 35, बाइनोमियल है क्योंकि इसमें 2 टर्म है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा अगर इसकी जगह मैं लिखता x की पावर 35 प्लस 9, ये भी ठीक था, इसमें भी देखो 2 टर्म है, बाइनोमियल है, डिग्री 35 है। अच्छा मैं यहाँ पे लिख दूं m की पावर 35 प्लस 16z, ऐसा लिख दूं मैं तो भी क्या है, देखो यहाँ पे 2 टर्म है और इनकी डिग्री कितनी है, 35 है। डिग्री मतलब क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर पूरे एक्सप्रेशन में है उसको हम लोग डिग्री के नाम से जानते हैं। तो ये रहा हाईएस्ट पावर 35, और ये रहा मेरा बाइनोमियल क्योंकि उसमें 2 टर्म है। अब देखिए मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल सिंगल टर्म वाले जितने भी नंबर है, एक्सप्रेशन है, वो मोनोमियल कहलाते हैं। देखो इनफाइनाइट एग्जाम्पल इसके भी हो सकते हैं, ये सो ऑन भी लगा देता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा मोनोमियल का एग्जांपल देना जिसकी डिग्री 100 हो, ठीक है। इनफाइनाइट एग्जांपल है, कोई भी आप पकड़ लीजिए। जैसे मैंने ले लिया एक्स की पावर 100, एक्स की पावर 100 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंटू लगाने से एक्सप्रेशन नहीं चेंज हुआ, अगर मैं यहाँ प्लस लगा देता तो चेंज हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू एक्स की पावर 100, ये है क्या, मोनोमियल ही तो है, तो मोनोमियल है, पावर हो गई इसकी 100। अच्छा इसी को मैं लिख सकता था, सीधा सीधा ये भी लिख सकते थे y की पावर 100,
अब देखो y की पावर अगर 100 लिखते हैं तो इसमें भी क्या है, y की पावर 100 लिखते ही ये एक मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, और सिंगल टर्म में जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं वो मोनोमियल कहलाते हैं। यहाँ पे डिग्री की बात करें तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, 100 है। तो इसके भी इनफाइनाइट एग्जाम्पल हो सकते हैं, सो ऑन, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। मतलब पॉलीनोमियल्स बहुत सारे दिए गए हैं, चार पॉलीनोमियल दिए गए हैं और चारों की डिग्री बतानी है कि डिग्री कितनी है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलीनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। क्या बताया, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलीनोमियल कॉल्ड इट्स डिग्री। फर्स्ट पार्ट में आते हैं, 5x³ + 4x² + 7x, यहाँ पे वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है उसको सेलेक्ट करके लिख लिया, तो है क्या 5x³। अब यहाँ पे ये चेक करना है कि x की पावर कितनी है, तो पावर कितनी है, 3 है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। मतलब डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल इज 3। अब देखते हैं आगे, 4 - y²। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, वो है -y²। वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर है, तो y की पावर कितनी है हाईएस्ट, वो है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अच्छा थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं, इसमें वेरिएबल पार्ट का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो वेरिएबल पार्ट में 5t है, तो 5t लिख लिया हमने। ठीक है, अब 5t में t एक वेरिएबल है, 5 उसका कोफिशिएंट है, लेकिन t की पावर कितनी है, पावर 1 है ना, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 1। तो पहले का पावर 3, दूसरे का 2, तीसरे का 1, चौथे का हो सकता है 0 हो जाए, बिल्कुल 0 हो भी गया, ये तो प्रेडिक्शन था। देखो यहाँ पे वेरिएबल का कोई टर्म ही नहीं है, चाहे आप x मान लो, चाहे y मान लो, चाहे z मान लो, वेरिएबल का कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, नो टर्म इन वेरिएबल, तो नो टर्म है तो आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि 0 के साथ वो टर्म मल्टीप्लाई होकर के 0 हो गया होगा, ऐसी मेरी सोच है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है मतलब वो 0 के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 0 बन गया होगा, तो मतलब 0 बनने के बाद उसकी पावर क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे पावर हो गया 0। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कहता है, क्या क्लासिफाई करना है, इस पूरे क्वेश्चन में क्लासिफाई करना है लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है और क्यूबिक पॉलीनोमियल कौन है। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी जान लेते हैं तो आसानी होगी हम लोग को समझने में। देखिए सिंगल पावर अगर है, ठीक है, अगर सिंगल पावर है तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, लीनियर पॉलीनोमियल बोलेंगे। ठीक है ना, अगर सिंगल पावर है तो लीनियर पॉलीनोमियल बोलेंगे। अगर पावर 2 है, डबल पावर है, डबल या स्क्वायर में पावर है, ठीक है, मतलब स्क्वायर में पावर है, मतलब ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अगर डबल पावर है तो क्वाड्रेटिक, सिंगल पावर है तो लीनियर। अच्छा थर्ड चीज क्या बोला है, कि अगर पावर कितनी है, 3 है, पेपल पावर में है, मतलब अगर पावर क्यूब में है तो उसको क्या बोलेंगे, जैसा कि उसका नाम है, क्यूबिक पॉलीनोमियल। बात समझ में आ रही है, तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के साथ चलना है और आंसर आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल यही चूज करना है कि सिंगल वेरिएबल में सिंगल पावर है तो लीनियर, डबल पावर है क्वाड्रेटिक, ट्रिपल पावर है या 3 पावर है तो क्यूबिक पॉलीनोमियल होगा। बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि हाईएस्ट पावर है क्या, तो हाईएस्ट पावर इस पूरे सेक्शन में, इस पूरे क्वेश्चन में, फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, x² + x, तो मतलब है क्या, x² डबल पावर है ना ये, अगर डबल पावर है तो डबल पावर में क्या जाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। बात समझ में आ गई, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, डबल की स्पेलिंग वहां पे गलत है, करेक्ट कर दे रहा हूं मैं, यहां पे ई भूल गया था। अच्छा अब देखते हैं सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट क्या कहता है, x - x³, तो इसमें हाईएस्ट वेरिएबल मेरे लिए क्या है, x³, हाईएस्ट पावर है x³, तो यहाँ पे ये पावर है क्यूबिक, तो ये भी होगा क्यूबिक पॉलीनोमियल। बात समझ में आ गई, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, ये हो गया क्यूबिक। थर्ड की तरफ, y + y²+4, देखने में y लग रहा है लेकिन रियल में 4 है, ठीक है ना, क्योंकि 2y के टर्म नहीं हो सकते, जो जाता 2y हो जाता,
तो यहाँ पे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 मैक्सिमम यहाँ पे पावर कितनी है y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक हो जाएगी पहले वाले की तरह, तो ये भी हो गया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अच्छा बढ़ते हैं थर्ड की तरफ, फोर्थ की तरफ, 1 प्लस एक्स यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है x है, अगर x है तो पहला ऐसा नंबर आया जिसमें पावर 1 है, इसको क्या बोलेंगे लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है अब बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, 3t में एक ही टर्म है और उसकी पावर भी कितनी है 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा लीनियर पॉलीनोमियल हो जाएगा। अच्छा बढ़ते हैं सेकंड लास्ट आर स्क्वायर की तरफ, तो इसमें भी सिंगल टर्म ही है आर स्क्वायर, पावर लेकिन डबल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इसका नाम होगा, इसको बोल दिया हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। और लास्ट में देखते हैं 7x³, तो 7x³ में भी सिंगल टर्म की बात कर रहा है और सिंगल टर्म में भी पावर कितनी है, पावर मैक्सिमम 3 है, तो इसका भी नाम दे दिया मैंने क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कब सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बहुत सारा पार्ट आप पीछे छोड़ चुके हैं, लेसन 1 खत्म हो चुका है, लेसन 2 की स्टार्टिंग हो चुकी है और आगे मैं आपको दूसरी वीडियो भी देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी वीडियोज़ को इतना ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद।